हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम, मेरा नाम है वजाहत। तो यार, पीछे जो कहानी हमने लालच की सुनी, भगवान शिव जी का आंखें खोल दी यार, उसने आंखें खोल दी। और ये वाकई हम सब के लिए सबक है। बिल्कुल सबक है कि भाई लालच उतनी करो जितने आप, और जो कुछ है आपके पास उसी में आप खुश रहो। लेकिन अब जा रहा है रावण को बैद जी से मिलने, अब आगे देखते होता है क्या। तो स्टार्ट आ गए। ओए, और ये इनके सतले बहन मुझे तो रावण को बैर जी के साथ कुछ भी नहीं लग रहा है। सुनो सुना खाते बैर जी, तो बैर जी इस समय के देवता है। तो बैर जी को क्या हुआ, एकदम बन गया इनका? लेकिन ये है कि रावण जी तो वैसी राशि कैसे हम रहा था, इतने वर्षों पश्चात देखा है तुम्हें। कहीं ब्राह्मण पे जा रहे होगे तो सोचा होगा कि अपने बड़े भाई से मिलता चलूं। अच्छा किया, कुछ क्षण विश्राम करके चले जाना। मैं यहां से इतनी शीघ्र जाने के लिए नहीं आया ब्राता। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम यहां करोगे क्या? मुझे अपने महादेव के पास जाना है, किंतु उन तक पहुंचने का मार्ग मुझे नहीं पता। और इतना अवश्य जानता हूं कि कैलाश यहां से समीप है, इसलिए आपके पास यहां रहते रहते उनके पास पहुंचने का प्रयास अवश्य करूंगा। कैलाश तक पहुंचने का प्रयास, ठीक है, अवश्य करो, किंतु यहां रहते रहते मेरे कार्य करने में मेरी सहायता करोगे या? अवश्य करूंगा प्रात, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। चलो, बिना पारिश्रमिक दिए मुझे एक दास मिल गया। अब मैं इसका भरपूर लाभ उठाऊंगा निःशुल्क। ये रावण जी उसी के लिए अपने परिवार को एक साथ बांधे रखने के लिए महादेव से तुम्हारी मांग उचित है, और इसे केवल महादेव ही पूर्ण कर सकते। और माता जी भी यही चाहती थी। ये भी स्मरण रहे, यदि तुम्हारे प्रेम के लिए महादेव वैराग्य त्याग कर दाम्पत्य जीवन स्वीकार कर सकते हैं, तो वो एक भवन के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। इतना विश्वास तो अपने जमाता पर है हम। यानी कि उनको वो माता जी की हर बात मान जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज होती है जिस वजह से भगवान शिव जी रुक रहे हो। अब हमारे लौटने का समय आ गया है। अच्छा जी, जा रही हैं यार। वो बस जाहिर बात है, अब लंबे दिन के लिए तो नहीं रुकने आ सकते। सूरत है यार, बहुत बड़ा है ना। हाँ, और ये हमारा सभागृह है। और ये अतिथि कक्ष। ये शयन कक्ष है। और ये हमारा यहाँ क्या रहा था? वही तो नहीं करते इसमें, क्योंकि तो बैर जी भी होते हैं।
कोषागार है, इसे केवल मैं ही संभालता हूँ। तुम्हें इसमें कोई भी रुचि नहीं होनी चाहिए दशानंद। जी ब्रह्म, एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले एक निर्धन के पुत्र ने एक ऐसे भव्य महल का निर्माण किया है जो सचमुच प्रशंसनीय है। किंतु भ्राता, आपके इस भव्य महल में क्या वास्तु दोष है? क्या वास्तु दोष? जी, आपका यह कोषागार वास्तु स्थिति के अनुसार है, किंतु शेष सभी में वास्तु दोष है। ऐसा वास्तु जो आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करेगा, संकटों को निमंत्रण दे। अब तुम आ ही गए हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस भवन को सारे वास्तु दोष से मुक्त कर दोगे। अवश्य माता। किस तरह रावण जी? संसार का सबसे गुणी वास्तुकार अब मेरे भवन का पुनः निर्माण करेगा, वो भी निशुल्क। मेरे कोष से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। जिस तरह कर रहे ना, ये सारा सोना सब कुछ मेरे लिए। धन संचय की निरर्थकता वो वितरण की आवश्यकता का महत्व समझाने का निर्णय लिया है। अब ये सुनकर मैं तो बड़ा चिंतित हो रहा हूँ। क्या महादेव कुबेर को कोई दंड देने वाले हैं? इस संसार में कुबेर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है नारद, किंतु वो अपने अटक गया। सब मेरा दुनिया का लोभी हो गया। एक लोभी को कोई निर्लोभी ही सही दिशा दिखा सकता है नारद। अब ये शिवलिंग उठाओ और वहां रखो। भगवान शिव जी की शिवलिंग भी सोने का गोदाम अंदाजा लगा लगी क्या है? अलग ये सोने का बना, अलग के ये तो वो पत्थर का बनता है, सोने का हाँ शिला का जिसमें शिला का बनता है। जग जोगी आया रे, जग जोगी आया कुबेर, जग कुबेर जोगी आया, द्वार पे जोगी आया कुबेर, जाग कुबेर जग जाग कुबेर, जग जोगी आया रे, जग जोगी आया कुबेर, अरे महल में जोगी आया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ दशा, तब संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगी। किसकी सोए रही जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? जाग कुबेर जोगी आया, लेकिन जोगी बन के सिखाएंगे। कुबेर जी, मारा रावण शुरू में कितना बड़ा भक्त था, जिस तरह खींचे जा रहा है ये कुछ इनको आभास हो रही है आवाज से। पहचान पाया और ये जो है ना, आप ही बोले भगवान शिव जी आप है ना। इस गेटअप में मैं कहता हूँ दुनिया का चाहे कैसा भी भाग तो कोई भी नहीं पहचान पाया सवाय रावण के। यार कुकुल,
सबसे बड़ा भक्त ही रावण और अट्रैक्ट हो रहा है वो, जिस तरह भगवान शिव जी है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहता है यार मैं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर खुद समझ जा कि इनको आभास हो गया है कि ये भगवान शिव जी हो भी सकता है, हो भी सकता है बिल्कुल गौरम। और ऊपर से जो कुंभार है उसको समझाने भी आ गए भगवान शिव जी, और अच्छा कुंभार ये कहता है कि भाई सारी दुनिया की जो ये जो सारा सोना वोना ये मेरा, ये सब कुछ मेरा, और शिवलिंग भी सोने का, हालांकि शिवलिंग तो शिला का बनता है, सारा शिला का, जहाँ जहाँ हमने शिवलिंग देखा इन्होंने शिवलिंग भी सो, हर चीज सोने की, कमरों में भरा हुआ सोना, बस ये भटक गए अपने दायित्व से, अपने वो जो उनका होता है अंदाजा लगा यार इतना अमीर बंदा हर चीज, और यार शिवलिंग का जो सोने में वो देखो उसने तो और शौक किया है कि यार एक भक्ति में भी आपने शिवलिंग सोने का बनाया हुआ, वो तो कम से कम शिला का बनाओ, लेकिन आपने हर चीज सोना, हर चीज, और यही सबक इनको सिखाना है कि आप अपने दायित्व से ना भटको, ये सोना पूरी दुनिया के लिए। बहुत अच्छा लगा जब शिवलिंग को अपने सोने में देखा कि भाई देखो ना सोने का शिवलिंग, अबे आना। और जिस तरह बीच में अब रावण बोल रहा है कि भाई साहब मैं आपके हर काम करूंगा, और उधर से कुबेर जी कह रहे हैं अच्छा है चलो मेरा बच जाएगी हर चीज, जिस तरह वो लालच दिखा रहे हैं ना, वो लग रहा है कि वाकई वो थोड़े से हो गए लालची। हाँ बिल्कुल तेरी पार्टी का, लेकिन अब आगे आखिर देखते आगे सिचुएशन क्या निकल के भगवान शिव जी जो जोगी के रूप में, और ये देखना है कि भगवान शिव जी क्या समझाते हैं, और यहाँ रावण उनको पहचाना है या उनको भगवान शिव जी बोलते या कुछ बोलते, वो तो आप हैं बिल्कुल भाई, तो क्या होता है ये अब आगे देखेंगे। वीडियो खत्म करते तो बाय।